तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 10 की। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको फर्स्ट लुक इंप्रेशन देंगे कि और आप आज ही हम इसका रिव्यू कर देंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपको पता चलेगा कि इस मोबाइल में क्या अच्छा और क्या बुरा। तो चलो वीडियो कर दें स्टार्ट। जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको बॉक्स के अंदर एक 33 वाट का चार्जर मिल जाता है, एक केस मिल जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, एक सिम एडाप्टर टूल मिल जाता है और टाइप ए टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है। तो हम फिर बात करते हैं मोबाइल की डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी। मोबाइल की डिज़ाइन है वो काफ़ी ही तगड़ी डिज़ाइन दी है रेडमी वालों ने और उसकी जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस मोबाइल में आपको क्वालिटी और बॉक्स के अंदर कंटेंट देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले आपको मिलती है 6.43 इंच की फुल HD प्लस SAMOLED स्क्रीन मिलती है, जो काफ़ी ही तगड़ी डिस्प्ले है। जो आप कंटेंट देखना चाहते हैं वो काफ़ी ही तगड़ा हुआ है डिस्प्ले, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी आपको। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, कलर वगैरह सभी कलर कॉन्ट्रास्ट आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा। और आपको इसमें बता देंगे इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर यूज़ किया गया, जो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो आपको टास्किंग के लिए काफ़ी तगड़ा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये भी काफ़ी चीज़। और कैमरा पार्ट जो आप कई लोग तो कैमरे के कारण इसे खरीदते हैं, कई सेल्फी सेल्फी वगैरह वीडियो रिकॉर्ड करने में चाहिए जो कैमरा क्वालिटी अच्छी, तो इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का माइक्रो 2 का ही डेप्थ, जो काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। और आपको सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जो सेल्फी है काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे फुल HD में 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह नहीं होगा। आपको स्टोरेज टाइम मिलती है UFS 2.1 और LPDDR4X RAM, जो आपको जो भी वर्क करें वो काफ़ी फास्ट होगा, इतनी अच्छी स्टोरेज टाइम मिलती है। और आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिलेगा, ये खास बात है इसकी। तो एंड्रॉयड 12 और 13 के अपडेट आएंगे और 4 सिक्योरिटी अपडेट और 3 एंड्रॉयड अपडेट। तो हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी। आपको डुअल 4G वोल्टी मिल जाती है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है। और साथ ही हम बात करते हैं इसी मोबाइल की बैटरी, जो बैटरी आपको मिलती है इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो आपको 1.5 दिन तक आराम से चला देगा। 33 वाट की सुपर फास्ट चार्ज, जो आपको 75 मिनट में 0 to 100 कर देगा, इतनी पावर चार्जिंग की स्पीड है, सुपर फास्ट स्पीड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपकी प्राइस पर आता है इंडिया में सिर्फ 15,000 रुपये में, जो काफ़ी पावरफुल क्वालिटी सभी नंबर वन टॉप ऑफ द लाइन है इस फोन में। तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग प्राइस पर मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक ना और चैनल पर सब्सक्राइब करते बेल के जरूर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।